अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। पढ़ेंगे वैन, लैन, मैन क्या होते हैं। तो लैन क्या है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वैन और मैन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है, वैन हमारे पास क्या होता है, वैन हमारे पास क्या होता है। वैन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अगर हम लैन की बात करें, लैन हमारे पास क्या था कि एक लोकल एरिया नेटवर्क था। तो ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये क्या है, ये वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वैन की, क्योंकि जो हमारे पास इंटरनेट है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास वैन नेटवर्क है। वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। वो हमारे पास क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो मतलब क्या कि जितना ज्यादा एरिया कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, जितना क्या है ज्यादा एरिया होगा स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी। तो इसलिए जो हमारे पास ये वाइड एरिया नेटवर्क है, इसकी स्पीड क्या है, कम है। किससे, लैन से। किससे, लैन से। और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वैन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब क्या है, हमने सिटी से सिटी या क्या है कंट्री से कंट्री के नेटवर्क आपस में कनेक्टेड करने होते हैं। तो उस मकसद के लिए क्या है, हम लोग वैन का इस्तेमाल करते हैं। और वैन को क्या है कि हम लोग सैटेलाइट्स की मदद से भी कनेक्टेड कर सकते हैं, और यह क्या है कि टेलीफोन लाइन की मदद से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, तो यहाँ पे ये मैं टिक लगा रहा हूँ नीचे अंदर लाइन, आपने वहां पे देखना है 56 KB और क्या है 50 MB पर सेकेंड। केबी से मुराद क्या है, किलो बीट्स पर सेकेंड और मेगा बीट्स पर सेकेंड, ये क्या इसकी स्पीड है। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसिव है। किससे, लैन से। ऑफ कोर्स ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा एरिया घेरता है, एरिया बहुत ज्यादा घेरने की वजह से ये क्या है कि बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन ये स्लो है, महंगा बहुत है। तो जो इंटरनेट है वो हमारे पास क्या है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो आपको वाजिया तौर पर दिखाई देगा, ये जो हमारे पास डायग्राम है ये बेसिकली किसकी है, वैन की। किसकी है, वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क की डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, कंट्रीज को आपस में कनेक्टेड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें, जिसके नीचे मैं अंडर लाइन लगा रहा हूँ, ये क्या है, होस्ट कंप्यूटर। क्या होता है भाई, होस्ट जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, ये बेसिकली इस तरह काम कर रहा होता है जिस तरह हमारे पास एक नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो सर्वर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये क्या है कि बाकी क्या है कि सब कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब क्या कि जो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होता है, ये क्या होता है, बाकियों से बड़ा होता है रेंज में, साइज में, प्राइस में। तो इसी तरह हमारे पास होस्ट कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में लार्जर कंप्यूटर होता है, सबसे जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर। द लार्जर कंप्यूटर इज नोन एज होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर दो जो कंसेप्ट है वो बहुत अहम है, अपलोड क्या होता है और डाउनलोड क्या होता है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको YouTube की एग्जाम्पल दूंगा। फर्ज किया मैंने जब ये वीडियो बनाई, और क्या है कि मैंने ये क्या है YouTube के ऊपर अपलोड की। ठीक है, तो फिर क्या है कि आपने जब क्या है YouTube से वो वाली वीडियो देखी, आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड। फर्ज किया हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, दी ट्रांसफर करते हैं आप डाटे को फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नॉन हैज अपलोडिंग। ठीक है, फर्ज किया जो मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है क्या पीसी, पीसी स्टैंड फॉर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या है कि जो क्या है डाटा आप लोग क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर से एक होस्ट कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। आगे हमारे पास क्या आता है, डाउनलोडिंग। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू
पर्सनल कंप्यूटर इज नॉन हैज़र्ड, डाउनलोडिंग बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर आप आगे देखें, आगे हमारे पास क्या आता है, फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा, यानी कि जो हमारे पास ये फाइल ट्रांसफर पर है, ये क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है कि डाटा को अपलोड और डाउनलोड करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप आगे देखें तो आगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें क्या है, मैन क्या है, मैन मैन स्टैंड पर क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है, ये भी क्या है कि एक छोटे से हिस्से को, मतलब क्या कि स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैंड से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या कि इसमें क्या होता है, हम टाउन को टाउन या क्या है, हम सिटी को सिटी से कनेक्टेड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब क्या है हम दो या क्या है दो से ज्यादा लैन को आपस में कनेक्टेड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास मैन नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम दो या क्या है दो से ज्यादा सिटी को आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं। लैन क्या है, जो हमारे पास मैन है ये क्या है, लार्जर है लैंड से, बट लेकिन स्मॉलर है किससे, वैन से। वैन से क्या है कि ये छोटा है, लैंड से ये क्या है बड़ा है, और इसकी जो स्पीड है वो क्या है वैन से ज्यादा है, लैंड से कम है, ठीक है। बाकी इसमें जो हमारे पास ये छोटी छोटी फ्रेंचाइज होती हैं या क्या है, जो हमारे पास छोटी छोटी कंपनीज होती है, जो क्या है एक ही सिटी के अंदर क्या है, तो अगर आपने उनको आपस में कनेक्टेड करना है तो इस मकसद के लिए क्या है, हम मैन का इस्तेमाल करते हैं। मैन स्टैंड फॉर क्या है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ये क्या है कि ये एक एरिया को कवर करता है, मतलब एक सिटी को, ठीक है। बाकी आपने रीड कर लेना है, अगर आपको किसी किस्म की कोई भी क्यूरी आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, मतलब इसकी फिगर है, अगर आप गौर से देखें जिसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर का टिक किया, ये सारी की सारी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। और ये अगर आप देखें मेट्रोपोलिस ब्रांच ऑफ कंपनी, जिसको आपने एक बार स्टूडेंट्स रीड कर लेना है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। सो अराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।